ये तो आप भी समझते हैं अनुराग भाई, आपके पेट में पूरा जूड़ा रखा है, बाल नहीं है जूड़ा है पूरा, क्योंकि आप सच बोल रहे हैं चाहते हो, बीच में टपक 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 टोटी में जूड़ा क्या बोल रहे हैं। किसने चुनाव की बात छेड़ी? संबित पात्रा ने। ये है इनकी असलियत। अरे आप राम के नहीं हुए, आप किसी के क्या होंगे। प्रेम शुक्ला जी भी कह रहे थे, तो प्रेम शुक्ला जी को जवाब है कि श्रीमान फेकू और श्रीमान तड़ी पार और श्रीमान फ्रॉड की जो पार्टी है वो हमारी पार्टी नहीं है श्रीमती, जो आप सोनिया गांधी जी को उल्टी सीधी बात कह रहे थे। मैं हूँ प्रभु श्री राम का प्रवक्ता, एक रुपया चंदा नहीं देंगे और चंदे पर सवाल उठाएंगे। एक रुपया चंदा दिया आपने, आपने कितना चंदा दिया मुझे बताइए ना पांडे जी। राम मंदिर एक बार फिर विवादों में है। समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस द्वारा आरोप लगाया गया है कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने मंदिर के लिए 18.5 करोड़ रुपए में जमीन खरीदी है। इस जमीन की कीमत सिर्फ 10 मिनट पहले 2 करोड़ रुपए थी। ऐसे में विपक्षी दलों का आरोप है कि जमीन खरीद में घोटाला हुआ है। इस मुद्दे पर मीडिया में डिबेट हुई। आज की इस वीडियो में बात इस मुद्दे पर हुई डिबेट्स की करेंगे। आज तक पर राम मंदिर के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में भाजपा नेता संबित पात्रा ने विपक्ष द्वारा उठाए जाने वाले सवालों का जवाब देते हुए चुनावों का जिक्र कर विपक्ष पर टिप्पणी करनी शुरू की, जिस पर कांग्रेसी नेता ने संबित को करारा जवाब दिया। उत्तर प्रदेश की जनता से कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश की जनता, देखिए मैं तो छोटा सा बच्चा हूं आपका, मगर ना अब ब्राह्मण बन जाना, ना राजपूत बन जाना, ना गुजर बन जाना, ना जाट बनना, हिंदू बनके अपने अधिकारों का रक्षा करना। कई ऐसी ताकतें हैं जो राम मंदिर नहीं चाहती हैं, ये नहीं चाहते हैं राम मंदिर बने किसी भी कीमत पे, ये नहीं होने देना मेरी जनता। ये उत्तर प्रदेश की जनता को आज संभल के चलना होगा। ये तो शुरुआत है, 22 के चुनाव तक ये लोग क्या क्या करेंगे। एक को गोली मारना पसंद था और सोनिया जी को तो राम भगवान पसंद ही नहीं है। कि इस पूरी चर्चा में ना आपने चुनाव का नाम लिया, ना मैंने लिया, ना आपकी इस कार्यक्रम में चुनाव की कोई बात हो रही। किसने चुनाव की बात छेड़ी? संबित पात्रा ने। ये है इनकी असलियत। अरे आप राम के नहीं हुए, आप किसी के क्या होंगे। पहली बार ये आरोप तो लग नहीं रहा आप पर। 1400 करोड़ रुपए के गबन का आरोप, बंसल जी यहाँ बैठे हैं, जवाब ये दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमने नहीं लगाया था, निर्मोही अखाड़ा के महंत सीताराम जी ने विश्व हिंदू परिषद पर लगाया था या नहीं लगाया था मुझे बताइए। न्यूज नेशन पर भी राम मंदिर के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में भाजपा नेता कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते नजर आए, पर वे इस विवाद पर गोल गोल बात कर रहे थे, जिसके बाद कांग्रेस नेता और भाजपा नेता के बीच तीखी बहस देखने को मिली। जो बाबरवादी है, रोमवादी है, ऐसे रोमवादी बाबरवादियों का की छाती में दर्द उठना स्वाभाविक था, और ऐसे में अनर्गल आरोप प्रत्यारोप साहब, ये राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र कोई एंटोनिया माइनो थोड़े है कि नेशनल हेराल्ड का जो है बेच के श्री श्रीमती 420 बन जाएंगी। प्रेम शुक्ला जी भी कह रहे थे, तो प्रेम शुक्ला जी को जवाब है कि श्रीमान फेकू और श्रीमान तड़ी पार और श्रीमान फ्रॉड की जो पार्टी है वो हमारी पार्टी नहीं है श्रीमती, जो आप सोनिया गांधी जी को उल्टी सीधी बात कह रहे थे। आपके नेता है फेकू, तो आपके नेता है तड़ी पार, नेता है फ्रॉड, और आपके नेता है 1 लाख रुपए के बंगारू लक्ष्मण, 420 के लिए 420 व्यापार करते हैं श्रीमती 420 मत बोलो, श्री 420 दामाद जी 420 बेटा जी 420 पिटिया जी 420 बेटवा 420। न्यूज 18 पर राम मंदिर के मुद्दे पर हुए डिबेट में समाजवादी पार्टी के नेता ने सवाल भाजपा पार्टी पर उठाए, इस पर भाजपा नेता ने बीच में बोलना शुरू कर दिया। इसके बाद दोनों में तीखी बहस हुई, पर डिबेट में भाजपा नेता सवालों से बचते नजर आए। कि वो लोग इस पे ज्ञान न दे जो भगवान राम पे श्रद्धा नहीं रखते हैं, ये केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा है। जी, इतने बड़े ट्रस्ट के मेंबर हैं अनिल मिश्रा जी और वहाँ के मेयर साहब, तो क्या उनका यही काम है कि कहीं भी जाके वो बन जाते हैं, गवाह बन जाते हैं क्या? जितनी रजिस्ट्री होती है किसी रजिस्ट्री के गवाह बन जाते हैं क्या? थोड़ी है, ये तो बहुत महत्वपूर्ण जमीन है, ये कहीं भी कैसे हो गया? उस पर सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, तो सवाल संदेह में जाता है ना, ये संदेह इस बात का है कि जब आप तो एक ही दिन हुआ है मेंबर हैं, अरे एक ही दिन हुआ है, वो एक ही दिन तो हुआ है, दिन हो या दो दिन हो, रेट में बेचा गया और नए रेट में खरीदा गया, बोला था यही तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है प्रभु? नहीं साहब, मैं आपको समझा रहा हूँ, आप लोग किस के रेट में बेचा गया उसी दिन, मगर ये दास्ता जो 10 मिनट की दिख रही है वो 10 वर्षों का है, ये तो आप भी समझते हैं अनुराग भाई। आपके पेट में पूरा जूड़ा रखा है, बाल नहीं है जूड़ा है पूरा, क्योंकि आप सच बोल रहे हैं टोटी में जूड़ा क्या बोल रहे हैं अमित जी, क्या बोल रहे हैं टोटी में जूड़ा रखा है, टोटी में कौन जूड़ा रखा है। जी न्यूज पर भी राम मंदिर के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर भाजपा सरकार का बचाव करते दिखाई दिए।
वे भाजपा नेता से तीखे सवाल करने के बजाय विपक्ष के नेता के साथ बहस करते नजर आए। आपने चंदा दिया था ट्रस्ट में, तो ये आप सवाल पूछ रहे हैं, आपने ट्रस्ट में कितना चंदा दिया समाजवादी पार्टी ने? आपने नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आपने ट्रस्ट में कितना चंदा दिया समाजवादी पार्टी ने? आपने हाँ, मैं हूँ राम का प्रवक्ता, चलिए हूँ, मैं हूँ प्रभु श्री राम का प्रवक्ता, चलिए हो मान लीजिए, जाइए, मैं हूँ प्रभु श्री राम का प्रवक्ता, जाइए दे दीजिए सर्टिफिकेट, मैं हूँ प्रभु श्री राम का प्रवक्ता, एक रुपया चंदा नहीं देंगे और चंदे पर सवाल उठाएंगे। एक रुपया चंदा दिया आपने? आपने कितना चंदा दिया मुझे बताइए ना पांडे जी, कितना चंदा दिया ट्रस्ट में? भगवान प्रभु राम पूरे हिंदुस्तान के हैं, नहीं हम सब पांडे जी चंदा नहीं देंगे, चंदे पर सवाल उठाएंगे। कार सेवकों पर गोलियां चलाने वाले, आज आपको आपको प्रभु राम की चिंता हो रही है, आपको राम मंदिर की चिंता हो रही है, सर सबको पता आपका मकसद क्या है, आपने एक रुपया चंदा दिया पांडे जी? ज्यादातर डिबेट्स में विपक्ष के सवालों से भाजपा नेता बचते नजर आए या उल्टा विपक्ष पर उंगली उठाने लगे। अब देखना ये होगा कि राम मंदिर को लेकर उठा ये विवाद क्या मोड़ लेगा। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।